आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। टॉपिक ये है कि क्या कुछ रीजन है जिनकी वजह से भारत चाइना से पीछे है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने ऐसा क्या ही कर दिया जिसकी वजह से हालत ये आ गई कि पूरी दुनिया ही चाइना पे डिपेंड हो गई, और अब इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए सभी कंट्रीज वहाँ से अपनी अपनी कंपनीज को बाहर निकालना चाहती हैं। इंडिया कहाँ पीछे है और चाइना ने ऐसा क्या कर दिया, थोड़ा बहुत आज हम इंडिया चाइना का कंपैरिजन करेंगे। बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है, आप सभी को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला ये। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर, मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो देखिए, जो डाटा मैं आप सभी को बताऊँगा वो कोरोना वायरस से पहले का है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज में हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जब चाइना से बाहर आना चाहती हैं। तो अगर मैं चाइना की बात करूं तो इस टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग हब चाइना बन गया है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आप सभी को लेकर चलूं तो 1990 में इसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट सिर्फ 3% का था। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका कंट्रीब्यूशन किसी कंट्री का कितना है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1990 में चाइना का सिर्फ 3% था। लेकिन देखते ही देखते ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 2018 आते आते 25% का हो गया। जी हाँ, पूरी दुनिया में एक कंट्री ही मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 25% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। कितनी बड़ी बात है, एक कंट्री है सिर्फ और वो 25% पूरे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कंट्रीब्यूशन 25% का कर रही है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो दुनिया के 80% एसी, 70% स्मार्टफोन, 60% पूरी दुनिया के शूज, 74% सोलर पैनल, 60% पूरी दुनिया की सीमेंट चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। एक जनरल सिनेरियो आप सभी के दिमाग में ये है कि चाइना सिर्फ सस्ता माल, चाइनीज है, सस्ता नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, तो आप इस वहम को निकाल दीजिए। पूरी दुनिया के 60% मोस्ट लग्जरीज आइटम चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है इस टाइम पर। पिछले 25 सालों में चाइना ने 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोगों को अपने देश में गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। वे उनको उन्होंने 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 25 साल में उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर ला दिए, गरीबी से उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। अब अगर मैं बात करूँ मोस्ट बिजनेस, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन सी कंट्री में है, तो सेकंड नंबर पर चाइना है, पहले नंबर पर यूएसए है। यूएसए में 121 कंपनियां हैं और चाइना में 119, ज़्यादा गैप नहीं है। अगर ये कोरोना वायरस महामारी नहीं आती, लोगों को ये नहीं पता लगता कि हम चाइना पर कितने डिपेंड हो गए हैं, तो इसको भी चाइना जल्दी कवर कर लेता। सिर्फ 121 और 119 चाइना में मोस्ट बिजनेस कंट्री, जिसमें बिजनेस सबसे ज़्यादा है वो कंट्री सेकंड नंबर पर चाइना है। अब मैं बात करता हूँ चाइना में ऐसा क्या हो रहा है जो भारत में नहीं हो रहा, हमारी कंट्री उस चीज़ में पीछे रह रही है। तो मैं पॉइंट वाइज आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है मास प्रोडक्शन। जी हाँ, चाइना में मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मास प्रोडक्शन का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो असेंबलिंग हो रही है, वो काफ़ी बड़े लेवल पर हो रही है। इंडिया में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, इंडिया में ज़्यादा फोकस हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर। जो छोटे रोजगार हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उन पर ज़्यादा काम हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, कोई भी छोटा बिजनेसमैन है, उसको स्केल अप करने में, उसको अपना बिजनेस बिल्डअप करने में, अपनी जो रीच है, पेनिट्रेशन है, उसको इंक्रीज करने में पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि चाइना ने लगभग 90% मार्केट को कैप्चर कर लिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टॉयज़ की फील्ड में हो, स्मार्टफोन हो, जूते हो, एसी हो, कुछ भी हो, चाइना ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। इंडिया के जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वे अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पा रहे, अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पा रहे, उसको रीच नहीं कर पा रहे। तो ये रीज़न है हम मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हमारी कंट्री में। पहला रीज़न था मास प्रोडक्शन का। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। देखिए, जनसंख्या तो हमारे देश में काफ़ी भरी हुई है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास इनोवेशन नहीं है, उसके पास जो सोचने की शक्ति है, नए नए आइडियाज हैं, उनके पास वो नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली है जो स्किल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत
जो हमारे नौजवान हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ, कुछ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको कोर्स कराए जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, इस योजना की पेनिट्रेशन कितनी है, इस योजना की रीच कितनी है, इस योजना का फ़ायदा कितना हो रहा है, तो ये बात इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले उसकी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होती है। तो शुरुआत की है सरकार ने इस योजना के तहत। अब देखना यह है कि सरकार इस योजना को कंटिन्यू कर पाती है या नहीं, या इस योजना के तहत कितने नौजवानों को, कितने यूथ को बेनिफिट मिलता है, और क्या आने वाले समय में हमारे देश में हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्किल डेवलप कर पाएगी, प्रोडक्टिविटी डेवलप कर पाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है वहाँ के लोग एक्सपर्ट हैं और उन्हें एक्सपीरियंस भी है। देखिए चाइना में कोई भी चला जाए वो दिखा देगा कि सर ये प्रोडक्ट है, कौन बना सकता है, सब हाथ उठा लेंगे, मैं भी बना सकता हूँ। वहाँ पर जो बिजनेसमैन जाते हैं, जो अपना आइडिया लेकर जाते हैं, जो अपना प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, उनके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। वो किसी लिए, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड लेबर है, प्रोडक्टिव लेबर है। ये प्रोडक्ट है, हाँ जी मैं बना दूंगा, कितने दिन में, अभी 2 दिन में, अभी 1 दिन में। वहाँ पर स्किल होने के कारण लोगों की काम करने की क्षमता, जो काम करने की स्पीड है, वो काफ़ी तेज़ है एज़ कम्पेयर टू इंडियन पॉपुलेशन। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चौथा पॉइंट है सप्लाई चेन। देखिए वहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपीरियंस लेबर है, स्किल्ड लेबर है, तो सप्लाई चेन ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो गई। अब सप्लाई चेन का बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होगा? देखिए कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है वो ये चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते ही मार्केट में आ जाए, मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते ही लोगों तक उसकी रीच बढ़ने लग जाए। चाइना में ऐसा ही हो रहा है, प्रोडक्ट बना, मार्केट में आया, सप्लाई चेन आसपास के देशों में एकदम से प्रोडक्ट फैल जाता है। तो बिजनेसमैन इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर मास प्रोडक्शन के साथ साथ, स्किल लेबर के साथ साथ एक सप्लाई चेन भी बड़ी अच्छी है, जो कि इंडिया में नहीं है क्योंकि मास प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो रहा, चीज़ें इतनी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, तो सप्लाई चेन भी हमारे यहाँ इतनी मजबूत नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। पॉइंट और है वो है स्टेबिलिटी। देखिए चाइना में काफ़ी चीज़ें स्टेबल हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया सप्लाई चेन है। अगर मैं और छोटे छोटे फैक्टर्स की बात करूं, जैसे पावर कट हो गया, लाइट जाने कितनी प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में आप लोग रह रहे हैं आपको पता है लाइट का क्या सिनेरियो है, क्या सीन है लाइट का, कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। दूसरी बात स्टेबल इकोनॉमी है उनके पास, क्योंकि जितनी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर US डॉलर में कमा रही हैं। अगर रुपीज़ की वैल्यू अप डाउन हो जाती है तो उनकी कंपनी पर मैसिव प्रॉफिट लॉस हो जाता है। इसीलिए स्टेबल इकोनॉमी ना होने के कारण, स्टेबल इन्वायरमेंट ना होने के कारण, यहाँ पर जो स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन ज़्यादा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कौन सी सरकार आएगी, क्या पॉलिसीज बनाएगी, आज ये पॉलिसी है कल नहीं रहेगी, तो अनस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में काफ़ी हद तक है, इसीलिए कंपनियाँ यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। अब मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट की, जिसमें आप सभी भी इंक्लूड होने वाले। लास्ट पॉइंट है एजुकेशन। देखिए दोस्तों कोई भी टेक्निकल डिवाइस है उसको कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा, उसका सॉफ्टवेयर सेट करना होगा, मतलब ओवरऑल काम इंजीनियर का है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप सभी के आसपास कितने इंजीनियर्स हैं? 2-3 तो मेरे ही आसपास हैं। क्या उनके पास स्किल है? जिस हिसाब से हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या उन सभी के पास स्किल है? नहीं है। अब मैं इस बात को डायरेक्ट जोड़ता हूं करप्शन से। करप्शन से कैसे दोस्तों? देखिए हर 10-12 किलोमीटर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर 10-12 किलोमीटर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा आपको। मान लीजिए वह 25,000 रुपए में डिग्री करा रहे हैं तो आप 2-4,000 रुपए ऊपर दीजिए, वो आपको उस कॉलेज में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्जाम देने जाना है। क्या आप बगैर कॉलेज जाए स्किल सीख पाएंगे? क्या आप बगैर कॉलेज जाए जो आपके कोर्स में है वो आप एक्सपीरियंस ले पाएंगे? जब तक आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा? तो ये सीन भी बड़ा ही ज़बरदस्त और मैसिव और घातक है हमारी कंट्री के लिए कि स्किल नहीं बना पा रहे हैं हम, चाहे वो स्कूल लाइफ हो चाहे वो कॉलेज लाइफ हो। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब सरकार ने लागू की है, उसको देखते हैं कितना टाइम लगेगा सिनेरियो इम्प्रूव करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आप इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए हमारे देश में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ पर हमें काम करना है। एक बड़ा ही ज़रूरी और लास्ट पॉइंट मैं आप सभी से एक तरह की अपील करना चाहूँगा, दिवाली का टाइम है, आप
प्रेफर कीजिएगा अपने देश के बने हुए आइटम्स को, लड़ी वगैरह ना लगाए, लाइटिंग चाइना से बनी हुई जो आई है उनको यूज ना करें, दियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, और खासकर तो मिट्टी से बने हुए दिए जो आप सभी के आसपास जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वे दिए वगैरह उनसे आप खरीदने की कोशिश करें। अच्छा इनिशिएटिव है, अपने देश की चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए हमें, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर करते हुए जाइएगा वीडियो, आप सभी का कुछ नहीं जा रहा, दो चार लोग अवेयर हो जाएंगे, उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो जल्दी मिलूंगा अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का बढ़ती महामारी से ध्यान जरूर रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।